shall I start? Okay. You can start the session and you are the host now. Okay, fine, thank you. Yes, okay. Now see, the first topic you learned was verb after the rejoining session, okay? And what you can do, this is like a flow chart. Here you will write transitive. And here, intransitive. Now, the students who are smarter, what they will do, they will also write what a verb is. If you are making a flow chart, in bracket, you should also write what a verb is. What is a verb? Verbs are action words. Action words. Yeah, correct. This you can write action word. And then you have transitive and intransitive. And below transitive, you can write need object. And below intransitive, you can write doesn't need object. Object ki space mere paas nahi hai, to aap likh sakte. Doesn't need object. And intransitive and in transitive verbs, you will write need object. Intransitive, you will write doesn't need object. This much you can make. Ma'am, done. Done, everyone? Yes. Okay. Now, what is a transitive verb? First, you will write the definition. Then I'm going to explain what it is actually. Okay. First of all, you write the heading left side transitive verb. That was a flow chart. Now you are writing the actual definition. So first put the heading left side transitive verbs. A transitive verb is a verb that accepts one or more objects.
one or more objects. Okay, now write one example. John gave Mary. John gave Mary the book. अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? Give. ठीक है, उसको अंडरलाइन करो. ठीक है, अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड की हेल्प से एक्सप्लेन कर रही हूं. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज द वर्ब. अभी हमने ये नहीं बताया है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव. अब इस वर्ब से अगर आप क्वेश्चन करोगे इस वर्ब के ऊपर व्हाट या फिर टू हूम, ये दो वर्ड्स हैं, अगर इनसे क्वेश्चन करके आपका आंसर आता है तो ये जो वर्ब होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा. क्वेश्चन कैसे करेंगे? व्हाट जॉन गेव क्या आंसर आया? बुक. द बुक. तो जो आंसर आता है ना वो होता है ऑब्जेक्ट. ओके, और आंसर आ गया इसका मतलब ये जो वर्ब है गेव ये है ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, अब आप टू होम से भी क्वेश्चन करके देखो. जॉन गेव टू होम या फिर टू होम जॉन गेव, तो क्या आंसर आया? मैरी. तो जो आंसर आया उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और आंसर आ गया इसलिए जो ये वर्ब है गेव ये होगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको दोनों का ही आंसर चाहिए हो. अगर किसी एक भी वर्ड का आंसर आ गया, सपोज खाली व्हाट का आंसर आया, टू हूम का नहीं है, चलेगा. आंसर अगर व्हाट का आ गया तो भी आपका जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और अगर व्हाट का नहीं आया टू हूम का आ गया तो भी आपका जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा. बट अगर दोनों में से किसी का भी आंसर नहीं आया तो आपका जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा. अच्छा, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन एक चीज जो लोग आप लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखा है जो मिस्टेक करते हैं, उनको ठीक से क्वेश्चन नहीं बनाना आता कि क्वेश्चन कैसे करें. तो आपको सब्जेक्ट को बीच में लेकर, सब्जेक्ट को साथ में लेकर क्वेश्चन करना है. जैसे व्हाट जॉन गेव, बता रही हूँ भैया, बुक. आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट जॉन गेव. ठीक है, तो आंसर आना चाहिए जॉन गेव या ओनली गेव, व्हाट गेव, इस तरह से होगा नहीं. आपको सब्जेक्ट को इंक्लूड करके क्वेश्चन करना है. व्हाट जॉन गेव, टू हूम जॉन गेव. ओके, सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स डन बाय द स्टूडेंट्स. ओके, अभी इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बट आगे और दूसरे सेंटेंसेस में इफेक्ट होगा. अब आप ये लिख दो इतना, उसके बाद मैं आपको और एग्जांपल्स दे रही हूँ और आपको आइडिया आ जाएगा. दिस मच यू राइट फर्स्ट, और एनी डाउट यू आर हैविंग यू कैन आस्क. एनी डाउट? नो मैम. Done? Yes. Yes, ma'am. Better.
Okay. चलो अब ये हो गया आपका. Now I am explaining you intransitive verbs. Okay, and after the completion of intransitive verbs, I will explain you. I will give you the okay. After the explanation of intransitive verbs. Oops, I will give you sentences and you will have to identify. ठीक है चलो okay now put the heading intransitive verb. You have to write the definition, okay? Just a moment. Ha, okay. Now, intransitive verb is a verb. You write the definition. Intransitive verb is a verb that does not take any object. That does not take any object. Chalo. Example. Someone was Someone was coughing loudly. Someone was coughing loudly. Now, अब देखो इसके अंदर क्या है आपको जस्ट टेल मी व्हाट इज द वर्ब कफिंग कफिंग वाज कफिंग ओके सो वाज कफिंग नाउ दिस वी हैव द वर्ब फाइन नाउ इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करना है टू वर्ड्स से द वर्ड्स आर व्हाट or to whom as I told you earlier for transitive verbs fine now if you ask the question what someone was coughing maine aapko bataya tha ki aapko subject ko include karke question karna hai okay so what someone was coughing do you get any answer no ओके नाउ सेकंड से करेंगे टू होम समवन वाज कफिंग नो नो डू यू गेट आंसर नो
loudly जो है वो आंसर नहीं है टू हूम का. फाइन. सो वेन यू आर नॉट गेटिंग द आंसर ऑफ दीज टू वर्ड्स दैट मीन्स जो ये वर्ब है आपका ये वाला जो वर्ब है ये कौन सा वर्ब हुआ? इंट्रांजिटिव. ओके इंट्रांजिटिव. नाउ राइट दिस मच. दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके फाइन. ओके सो यस आई टोल्ड यू इफ वी डू द एक सपोज इफ वी डू 10-15 सेंटेंसेस देन वी गेट अ प्रॉपर आइडिया. And if we do 20, we get some confident that we know this topic. Okay, so now it is time to do the exercise. Fine. So I am going to dictate and I will ask randomly to anyone. First, second. First sentence is, she advised me. She advised me to consult a doctor. She advised me to consult a doctor. We are starting from Teeth. Yes, Teeth. Teeth, yes, can ma'am. You please tell? Advised. And it is transitive. Advised is verb, but it is transitive. To whom How do you she come advised? To know that it is a transitive? To whom she advised. Yeah. And what she and the advised. देखो टू होम शी एडवाइज इसका आंसर क्या आया? मी एंड व्हाट शी एडवाइज टू कंसल्ट अ डॉक्टर. ओके दोनों का आंसर आ रहा है. अगर एक का भी आता तब भी ये कौन सा वर्ब होता? ट्रांजिटिव वर्ब. करेक्ट. ओके गुड. नाउ सेकेंड सेंटेंस. किसी को इस वाले सेंटेंस में कुछ डाउट है तो बताओ. किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैम कैन डॉक्टर और नहीं तो हम आगे कर. मैम डॉक्टर ऑब्जेक्ट की तरह रह सकता है क्या? बेटा डॉक्टर क्या? मैम डॉक्टर खाली और डॉक्टर नहीं रहेगा इसमें. अकेला डॉक्टर ऑब्जेक्ट नहीं रह सकता. अगर इसमें हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट शी एडवाइज्ड तो हमारा उसने एडवाइज क्या किया? उसने एडवाइज किया कि तुम जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करो. ठीक है ना? तो उसने हमें ये एडवाइज नहीं किया है कि डॉक्टर खाली डॉक्टर नहीं बोला. उसने पूरा पूरी बात ये बोल दिया कि तुम जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करो. सो जब ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट शी एडवाइज्ड तो ये पूरा इतना रहेगा, इतना छोटा सेंटेंस रहेगा. और व्हाट शी एडवाइज्ड में ये आएगा. और जब हम क्वेश्चन करेंगे टू होम शी एडवाइज तो मी आएगा. किसको उसने एडवाइस दी? मुझको दी, तो मी आ जाएगा. ठीक है.
सो दोनों का आंसर आ रहा है. अगर एक का भी आता तब भी ये ट्रांजिटिव होता. ठीक है, चलो सेकंड. अभी किसी को कुछ डाउट? नो मैम. फाइन ठीक है. सेकंड सेंटेंस, लेट्स इनवाइट योर कजिन्स एज वेल. लेट्स इनवाइट योर कजिन्स एज वेल. Yeah, okay, Daksh, you tell. Yes, ma'am. It will be transitive because it is said that let's invite your cousin. So, to whom it will be, to whom? So, it is cousin. First of all, you tell me what is the verb in this sentence. Ma'am, invite. Invite. Okay. अब invite पे जब हम question करते हैं, to whom we invite? Cousins. तो आता है your cousin. So obviously this is transitive verb. Okay. चलो. और next. I waited for half an hour. Okay, Vedant, can you try? Yes, verb is waited. It's intransitive. Yeah, okay, correct. It's intransitive, correct. It is intransitive because if we question on waited, then we are not getting any object. What I waited? No answer. ओके, क्योंकि इसमें लिखा है मैंने आधे घंटे तक वेट किया, तो मैंने क्या वेट किया वो नहीं लिखा है. इसमें लिखा है कब तक वेट किया. ठीक है, एंड उसके बाद टू होम आई वेटेड, किसका वेट किया, तो ये भी नहीं मेंशन है. सो दिस इज इनट्रांजिटिव वर्ब. गुड, चलो नेक्स्ट. आई रिसीव्ड योर लेटर इन द मॉर्निंग. आई रिसीव्ड योर लेटर इन द मॉर्निंग. Then can I tell? Wait a minute. Who wants to tell? Rudra Patel. Teeth, wait. You got the chance. Okay. Now this is Shlok Patel. Shlok Patel. Ma'am, I have not asked you to tell. Rudra asked. अच्छा, श्लोक, श्लोक योर वीडियो एज वेल एज योर ऑडियो बोथ आर ऑफ. आर यू देयर श्लोक? फाइन. रुत्वा, यस, यू वांटेड टू टेल, यू टेल देन. मैम, रिसीव्ड इज वर्ब एंड योर लेटर इज ऑब्जेक्ट. Correct. So the verb is what? Received.
नहीं काइंड इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव करेक्ट इट इज ट्रांजिटिव चलो नेक्स्ट सेंटेंस I am going to send her some flowers. I am going to send her some flowers. Diya. Yes, ma'am. The verb is going and it is intransitive. Intransitive. Okay. आपने अच्छा इसमें question किया what से? Yes, ma'am. What I'm going to send? Yes. तो क्या answer? कोई answer नहीं आया? No. Yeah. Prasan, you try. See, yes. If we say ki what I'm going to send, what I'm going to send her, to kya answer aa raha hai Prasan? Flowers. Ah, flowers to answer aa raha hai. What I'm going to send, main kya bhejne wala hu usko? Flowers. Theek hai? Some flowers. To answer to aa raha hai, to iska matlab ye transitive verb hai. Theek hai? Yes. Chalo, next. Clear ho gaya beta aapko diya? Yes, ma'am. He has changed a lot since he got married. तीर्थ की टर्न आ चुकी है दक्ष की भी आ गई दिया प्रसन्न रुत्वा की वेदांत की अंश आपकी टर्न आ गई है हाँ अंश मैम द वर्ब इज चेंज्ड इट इज इंट्रांसिटिव या इट इज इंट्रांसिटिव वर्ब ही हैज चेंज्ड What he has changed is not mentioned. Okay? To whom he has changed, wo bhi mention nahi hai. So, the verb is has changed. Only changed nahi hai, verb pura hai. Has changed and it is intransitive. Now, the next one. Suddenly, suddenly the child woke up. Yeah, अब willingly आप लोग बता सकते हैं who wants to tell? Ma'am, can I? Yeah, okay. Answer is suddenly. Verb and it is intransitive. Suddenly is not the verb. Ma'am, can I? Wake up. Yeah, try. Mom, the verb is woke up and woke up. And it is intransitive. Yes, it is intransitive, but the verb is woke up. Now, next one. The loud noise woke me. The loud noise woke me. Uh,
मैम आफ्टर नॉइस वोक मी वोक woke वोक मी मैम कैन आई टेल द आंसर या हु इज दिस रुद्वा या रुद्वा ट्राई woke me is the verb loud noise is the object nahi mam can I aur koi try kar raha hai mam yeah try bolo bolo loudly is verb and it is transitive loudly loudly तो मैंने mention ही नहीं किया है loud verb मैम कहना या और कौन बोलना चाह रहा है मैम अंश अंश मैम woke me is the yes, verb woke me is the verb and it is intransitive woke me नहीं है only woke is the verb okay and me object and this is transitive अब कैसे है transitive देखो the sentence है the loud noise woke me तो हम question करेंगे what से और कैसे करेंगे question याद है मैंने आपको बताया है कि subject को include करते हुए what the loud noise woke तो answer नहीं आ रहा अब अगर हम करेंगे टू हूम द लाउड नॉइज वो तो क्या आ रहा है आंसर मी मी किसको लाउड नॉइज ने उठा दिया तो आंसर आया मी तो टू हूम का आंसर आ रहा है इसका मतलब वो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है ठीक है एनी डाउट नो मैम ठीक है नेक्स्ट Let's discuss your plans. Let's discuss your plans. हम कहना है अभी इसका कोई ट्राई करेगा हम कहना है हु अंश ओके अंश चलो आप ट्राई करो मैम डिस्कस इज द वर्ब एंड इट इज ट्रांजिटिव करेक्ट द वर्ब इज डिस्कस एंड योर प्लान्स is object so the discuss verb is transitive verb किसी भी सेंटेंस में किसी को थोड़ा भी डाउट होता है तो पूछ लेना कि मैम मुझे ये क्लियर नहीं हुआ आप क्लियर कर दो देन आई विल डू दैट ओके सो डोंट हेजिटेट अभी क्लियर हो गया तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी नाउ नेक्स्ट इज आई हर्ड अ लवली सॉन्ग इन द मॉर्निंग मैम कहना है ये अंश के अलावा कोई ट्राई करो प्लीज और कोई बोले कैन आई ट्राई रुत्वा ने भी करे है ट्राई और कोई बोलो और कोई ट्राई करो मैम कैन आई मैम कैन आई दिया यस मैम Yes, Diya, you try with them.
verb is lovely and it is transitive. अच्छा देखो एक बात सुनो, लवली कोई वर्ब नहीं है, काम करना वर्ब का मतलब कुछ काम करना, लवली का मतलब प्यारा, प्यारा तो कुछ काम करना नहीं हुआ। एक्शन कौन सा हो रहा है? हार्ड एक्शन, हार्ड कौन सा? हाँ करेक्ट, हार्ड, हार्ड इज एक्शन, मैंने सुना, ठीक है, हार्ड इज वर्ब। नाउ क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आई हर्ड? लवली सॉन्ग, लवली सॉन्ग, हाँ करेक्ट, सो लवली सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, सो हर्ड कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसको मिल गया ऑब्जेक्ट। दक्ष आपकी टर्न, आइए एक भी बार। यस मैम, ठीक है चलो नेक्स्ट। श्लोक पटेल आपने ना तो वीडियो ऑन किया है ना आपका ऑडियो ऑन है, सो आज मैं आपको कॉल कर लूंगी, घर पे कॉल करके बात करूंगी मदर से आपकी, कि अगर आप क्लास में हो तो कोई आंसर ही नहीं है आपका। नेक्स्ट सेंटेंस, कैन यू लेंड मी अ फ्यू पाउंड्स? Can you lend me a few pounds? Can I? Yeah, who is this? Ma'am, can I say? Ma'am, can Daksh, I? You want to try? Yes, ma'am. Okay, Daksh. Ma'am, in this, it will be transitive because there is, can you lend me? So, me will be the to whom or what? An object is found. Which verb? Verb कौन सा है? वो clear बोलो. Few. No, lend. Sorry, lend. You कोई action थोड़ी है? Lend. हाँ, correct. Lend is verb. And it is transitive because there is object pounds and me it is. Correct. Lend is transitive verb. Next. The wind was blowing fiercely. The wind was blowing fiercely. 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 Ma'am, can I try? Yes, Vedant. Verb is fiercely. Blowing. And it is intransitive. Correct. It is intransitive. Next. Heat expands metals. Heat expands metals. Ma'am, can I try? Ma'am, can I? Can I? कौन बोल रही है? On. Wow. हाँ, okay, Rutva, you try. Expense is a verb and object is metal.
एंड समझ नहीं आया. ऑब्जेक्ट इज मेटल. हाँ तो एक्सपैंड कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब. करेक्ट. नेक्स्ट द कार स्टॉप्ड अब्रप्टली. द कार स्टॉप्ड अब्रप्टली. ए बी आर यू पी टी एल वाई. ए बी आर यू पी टी एल वाई अब्रप्टली. व्हाट इज मीनिंग ऑफ अब्रप्टली? हाँ जी मैम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अब्रप्टली? अब्रप्टली मतलब कि रैंडमली, मतलब बहुत रुकी एकदम से, अचानक. तो कैसे एकदम स्मूथ तो नहीं रुकेगी, कैसे रुकेगी? एकदम स्ट्रेच करते हुए, स्क्रीच करते हुए रुकेगी, ठीक है? बहुत बुरे तरीके से रुकेगी. दैट इज कॉल्ड अब्रप्टली. मैम कैन आई ट्राई? चलो बोलो. ट्राई मैम, कैन आई ट्राई? टीथ. यस. स्टॉप इज द वर्ब and it is intransitive. Correct. Okay. The rider fell off the horse and broke his arm. Fell off. F-E-L-L-O-F-F. Fell off. Ma'am, can you repeat? Rider fell off. F-E-L-L-O-F-F. Fell off the horse and broke his arm. Ma'am, can I? Who is this? Anch? Yes. Bolo Anch. Ma'am, I'm here. Verb is broke and it is transitive. आप इतनी फास्ट बोलते हो, समझ ही नहीं आता. Mam, the verb is broke and it is transitive. Mam, fell is not word. Mam. Fell off. पूरा इसमें phrase है. Next, the ship sank suddenly. The ship sank suddenly. Ma'am, can I say? Who tried? Who wants to try? Ma'am. Vedant, aap try karo. Vedant, you try. Yes, ma'am. The verb is sank. क्या सेंटेंस बोला मैंने? द शिप सैंक सडनली.
Correct. Next. The doctor advised me. The doctor advised me to exercise regularly. Ma'am, can I try? Ma'am, can I try Teerth? Yes, Rutva. हाँ रुतवा को करने तो फिर नेक्स्ट में तीर्थ आप करना ओके वर्ब इज एडवाइज्ड एंड यस टू एक्सरसाइज इज ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट वर्ब कौन सा वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब इन ट्रांजिटिव करेक्ट नेक्स्ट She was crying all day long. Ma'am, what? She was crying all day long. Ma'am, crying. Yes. Crying and it is transitive. आवाज नहीं आई आपकी वर्ब इज क्राइंग एंड इट इज ट्रांजिटिव वॉज क्राइंग वो वर्ब है एंड इट इज इन ट्रांजिटिव ओके मैम कितने सेंटेंसेस लिखे आप लोगों ने मैम 18 सेंटेंस हाउ मेनी 18 15 18 18 18 मुझे चैट बॉक्स में लिख के दो कितने लिखो टू मोर एंड देन ओवर और ये दोनों होमवर्क में करो नेक्स्ट वी शोड हर द फोटो एल्बम वी शोड हर द फोटो एल्बम And next, it was raining at that time. It was raining at that time. These two will be your homework. Now you are having SS session, na? Yes, ma'am. Yes, na? You are having SS? Yes, ma'am. Fine. Your teacher will come then. Sakshi ma'am. Sakshi ma'am.
Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, Hello, ma'am. अपने वीडियो ऑन कर दो. तीर्थ लास्ट लेक्चर में नहीं आए थे बेटा, आप एब्सेंट थे. तीर्थ श्लोक तो सिर्फ फिजिकली होता है, प्रेजेंटली वो तो एब्सेंट ही होता है श्लोक. मैम मैं उस दिन एक ही क्लास अटेंड कर पाया था. ओके आप ऑल इज वेल ना? यस. ओके अंश, दक्ष. मैं बाहर था मैम, इसलिए मैम मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था. तू अगर घर पे भी होता है तो कौन सा अटेंटिव होता है? मैं बोली ना फिजिकली होता है, तू मेंटली पता नहीं कहाँ घूमते रहता है. है ना श्लोक? देखो अभी भी वीडियो ऑन नहीं करेगा, और अगर इन बिटवीन में कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगी तो श्लोक बाहर हो जाएगा. अचानक उसके नेट के कनेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो गायब हो जाएगा. मैम आज आप पूछना. अच्छा ओके. साक्षी मैम. ओके थैंक यू. चलो चलो सबने टेबल बनाया, दिखाओ टेबल दिखाओ. मैंने बोला था सबको टेबल बनाने के लिए. रुत्वा, दक्ष, तीर्थ को नहीं पूछूंगी, तीर्थ और श्लोक बच गए. चलो रुत्वा शोमी का टेबल दिया. यस मैम. रुत्वा से शुरू करते हैं. बनाया है कि नहीं बनाया है? देखा भूल गई. मेरा बाकी है. रेज हैंड जिसने नहीं किया. सी नम. ओके रुत्वा रेज योर हैंड, यू हैव नॉट डन राइट. चलो प्रसन्न, वेदांत, व्हाट अबाउट यू? वेदांत वेट. यस वेदांत हैव डन, वेरी गुड. दिया व्हाट अबाउट यू? शो, वेरी नाइस दिया. ओके अब मैं जिनके नाम बता रही हूं, अंश, दक्ष, प्रसन्न, रुत्वा, पहले मुझे अंश बताएगा. अंश क्यों नहीं किया टेबल? मैम आई वाज फॉरगॉट. व्हाट यू वाज फॉरगॉट? क्या मुझे सुनाई नहीं दे? मैम मैं भूल गया. भूल गए, वेरी गुड. सच बताना सब. रुत्वा मैम मुझे ऐसा लगा कि आपने होमवर्क ही नहीं दिया, फिर अभी मुझे बता. देखो श्लोक, श्लोक की डिजीज लग गई है क्या? दक्ष मैं भी भूल गया था. प्रसन्न यू आर नॉट ऑडिबल बेटा. मैम आपने जब कल लेक्चर बंद कर दिया ना, वो कुछ आ गया था तो जूम का ग्लिच, इसलिए फिर मेरे को लगा कि आपने लेक्चर बंद कर दिया, तो फिर मैंने कुछ किया ही नहीं. अच्छा ओके. तो अभी आप चार को ये टेबल कितनी बार दू? वेदांत बताएगा. मैम कौन सा टेबल? बताती हूँ, क्योंकि तीर्थ श्लोक वन वन टाइम करेंगे और आप लोग सब वेदांत डिसाइड करेगा कितनी टाइम करना है. दो बार बस वेदांत दिया. कितनी बार करना चाहिए? वन टाइम बस. टू टाइम्स. क्या यार वेदांत और दिया, कितनी बार करोगे? रुत्वा चलो बोलो, तो नेक्स्ट टाइम भूल ना जाओ. ट्वेंटी टाइम ओके है ना? नो मैम. तो क्या नेक्स्ट टाइम भूल नहीं जाओगे? नेक्स्ट टाइम ऐसा लगेगा कि मैम ने कोई होमवर्क ही नहीं दिया. चलो एक ही बार करना है, सैटरडे करना है. सैटरडे नहीं करोगे तो मैं कितनी बार दूंगी प्रसन्न? फिर रेडी रहना. हाँ ओके. पर क्या करना है वो तो बदल. देखो अभी भी प्रसन्न पूरी पूरी रामायण खत्म हो गया, वो बोल रहे राम और सीता कौन थे.
पता नहीं मैम, मैंने लीव कर दिया था इसलिए. ओके, ऐसे भी मैं तीर्थ और श्लोक को बताने वाली हूँ. पेज नंबर 31 मैम, विच बुक में लास्ट टाइम आया नहीं था? हिस्ट्री, हिस्ट्री, वी आर डूइंग हिस्ट्री लेसन नंबर 3. ओके, पेज नंबर 31 में जो टेबल है ना बेटा, वो टेबल करना है. यस मैम. मैम ये वाला 31 हिस्ट्री पेज नंबर 31, तुम ये वाला बोलो कि तुम, मुझे क्या पता तुम कौन सी बुक देख के बोल रहे हो ये वाला. मैम मैंने उल्टी स्क्रीन की है. यस श्लोक ये वाला. ओके और दूसरा होमवर्क क्या दिया था? चलो दिया मैम टेबल पेज नंबर 32 में फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स के 4 स्टेजेस आपने दिए थे. और सर्कल ऑफ जस्टिस लिखने को नहीं बोला था मैंने? बोला था. ग्लोसरी भी बोली थी, बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस की. और यस दो ग्लोसरी बोली थी. चलो रुतवा लिखा है वो पहले से, उसने रिजाइन कर दिया. नहीं अंश, आंच तो तू पीटने वाला है, डिजिटल झापड़ खाएगा तू, है ना आंच? डिजिटल झापड़ कैसे खाएगा तू? अपने ही हाथ से खुद को मारेगा. तो ये सब सारा होमवर्क और आज मैं दूंगी, वो सब कंप्लीट होना चाहिए सैटरडे. वन टाइम ही दे रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है शायद से, मैंने इसके पहले कभी पूछा नहीं है, पता नहीं किया है कि नहीं किया होमवर्क. मैम पूछा है आपने? हाँ. ओके चलो अब मैंने जितना आपको समझाया है. हाँ यस तीर्थ मैम, दूसरा होमवर्क क्या बोला आपने? पेज नंबर 32 में नीचे सर्कल ऑफ जस्टिस दिख रहा है बेटा आपको? यस मैम. वो लिखना है. ओके ओके नाउ मैंने जितना एक्सप्लेन किया है वो उतना मैं उसकी टेस्ट ले लूं और फिर हम आगे समझेंगे. तब तक तीर्थ और इन लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा. ओके द क्वेश्चन इज टू अंश, सबसे पहले जिन्हें होमवर्क नहीं किया ना आज वो आंसर करेंगे. यस द क्वेश्चन इज गयाजुद्दीन बालबन वाज द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी? मैम राजपूत. टेबल निकालो पेज नंबर 31. अली तुर्किश रूलर. इसमें दिख रहा है गयाजुद्दीन बालबन? यस मैम. हाँ तो उसके बाजू में लिखो, यहाँ पे आपको दिया गया है तुर्किश रूलर्स राइट, पर एक्चुअली उसकी जो डायनेस्टी थी वो तुगलक डायनेस्टी थी. कौन सी डायनेस्टी थी? तुगलक डायनेस्टी राइट. Okay, Rutva, your question. Why was Razia removed from the throne? और बाकी जिसको अगर आता है वो raise hand करेगा. Ma'am? Why was Razia removed from the throne? उसको throne से क्यों निकाल दिया गया था?
सिर्फ वेदांत को आंसर आता है, दिया यस दिया बिकॉज शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन हर ब्रदर्स सीरज ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर एंड शी वॉज डीथ्रोन्ड इन विच ईयर 1240 ओके दक्ष इन विच ईयर शी बिकेम द सुल्तान मैम कैन आई टेल नो वेट दक्ष विल आंसर दक्ष कौन से साल में रजिया सुल्तान को थ्रोन में बिठाया गया था टेक्स्ट बुक खोल के देख सकते हो टेक्स्ट बुक ना हो तो तीर्थ बोलो यस मैम 1236 यस दक्ष अब इसका आंसर दो विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश हिज हर कैपिटल एट दिल्ली अंगना पाला पूरा राजपूत डायनेस्टी बोलना है बेटा आपको ठीक है तोमर राजपूत बोलोगे तो भी चलेगा ओके मैम तोमर राजपूत ठीक है ओके ओके इन विच ईयर वॉज द खिलजी डायनेस्टी सेटअप दिया मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज खिलजी डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड 1292-1320 यस वेरी गुड ओके वेदांत योर क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट स्लेव किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत Very good. Who was the successor of Muhammad bin Tughlaq? What, ma'am? Okay, वो नहीं आएगा वो अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको वो रहने देना Yet I have not done. Okay, this one. What was the language of administration under Delhi Sultanate? Delhi Sultanate में administration की language कौन सी थी? Persian. Yes. Persian. मैम टेक्सटबुक की स्क्रीन शेयर करो ना बेटा मेरे लैपटॉप में मैंने नहीं पीडीएफ डाउनलोड की है तो मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊंगी गूगल में ncert.online टेक्स्ट आई डोंट हैव फोन तो भी आ जाएगा आई डोंट हैव एक्स्ट्रा फोन किसको प्रॉब्लम है किसको प्रॉब्लम है किसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है मेरे पास प्रसन्न ओके प्रसन्न आज वेट करो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे मेरे लैपटॉप में डाउनलोड कर दूंगी ठीक है ना बेटा ओके और नेक्स्ट टाइम मैं आप जब भी समझाऊंगी तो शेयर कर लूंगी स्क्रीन ओके चलो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 34 एवरीवन बी रेडी स्टार्ट करूं यस यस फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर ओके नाउ व्हाट इज गैरिसन सबसे पहले गैरिसन टाउन से एम्पायर हमें पढ़ना है पर गैरिसन का मतलब क्या गैरिसन टाउन का मतलब क्या होता है गैरिसन टाउन ये एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट होता है सोल्जर्स के लिए उनके सेटलमेंट के लिए और वो सेटलमेंट फोर्टिफाइड होता है और यहाँ पे कौन रहता है सोल्जर्स ओके So in early 13th century, the control of Delhi Sultanate zyada fortified nahi hua, heavy fortified towns. Wahan pe garrison tha. Sultan, hinterland of the cities, aur usko control karte the, trade karte the, plunder karte the. Hinterland yani ki kya? Aap jahan pe rule karte ho, aapki jo territory hoti, usko adjacent territory. Right?
आपकी जो टेरिटरी होती है उसकी एडजेसेंट टेरिटरी को हिंडरलैंड बोला जाता है. द लैंड एडजेसेंट द सिटी और अ पोर्ट जहां से गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होती है. तो उस सारी लैंड को वो कैप्चर कर देते थे सुल्तान. ओके तो आपके पेज नंबर 34 में लेफ्ट हैंड साइड में आपको दो ग्लॉसरी दिख रही है, हिंडरलैंड और गैरिसन, वो उसको टिक कर दो. दूसरी सुल्तान एक हिंडरलैंड को कैप्चर करते थे और दूसरा वो कैप्चर करते थे गैरिसन टाउन. दूसरा किसको कैप्चर करते थे वो लोग? गैरिसन टाउन. हिंडरलैंड को इसलिए वो कैप्चर करते थे क्योंकि यहां से वो ट्रेड कर सकते थे, राइट. गैरिसन टाउन इसलिए करती थी बिकॉज दैट वॉज द फोर्टिफाइड सेटलमेंट फॉर द सोल्जर्स, राइट. रेबेलियन, रेबेलियन आर दोज पर्सन हु रिबेल, आप किसी के अगेंस्ट जाते हो, ठीक है. तो रेबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर के वजह से कई बार उन वो रूट्स इजिली नहीं, वहां से रूट्स इजिली जाके आगे एक वाली टेरिटरी कैप्चर नहीं कर पाते. जब मोगल्स और अफगान्स आए तो सुल्तनत वीक हो गया. सुल्तनत बैरली मोगल और अफगानिस्तान के रूलर्स के सामने वो टिक पाया. फिर गयाजुद्दीन बालबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इन्होंने थोड़ा थोड़ा डायनेस्टी, उनकी डायनेस्टी और आजू बाजू कैप्चर कर पाए. जब अलाउद्दीन खिलजी, गयाजुद्दीन की बात करें या मोहम्मद तुगलक की बात करें, तो वो लोग पहले इंटीरियर फ्रंटियर को कैप्चर करते थे, फिर एक्सटीरियर फ्रंटियर को कैप्चर करते थे, राइट. इंटीरियर फ्रंटियर यानी के क्या होता था? जो इंटीरियर पार्ट होता था. एक्सटर्नल फ्रंटियर यानी के जो बाहर, अब वो हम डिटेल में समझेंगे. पहले व्हाट इज इंटीरियर फ्रंटियर? द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन सल्तनत पहले करते थे इंटीरियर फ्रंटियर, यानी के वो फॉरेस्ट, फिर जैसे कि गंगा यमुना दोहक था तो उसको उन्होंने कैप्चर कर दिया. जो लैंड एग्रीकल्चर लैंड होता था, पीजन लैंड होते थे, उनको कैप्चर कर दिया. सेकंड होता था एक्सटर्नल फ्रंटियर, यानी कि वो मिलिट्री उनकी ट्रेन करते थे, मिलिट्री एक्सपांड करते थे, राइट. और फिर सल्तनत आर्मीज कैप्चर करते थे, एलिफेंट्स, हॉर्सेस और ये सब प्रीशियस मेटल. अब रुतवा फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो, उसको मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. मैम इन द अर्ली, यस इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स रैली वेंट बियॉन्ड हेवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्युपाइड बाय गैरिसन्स. द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्ड द हिंटरलैंड of the cities and was therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies. Okay. So early 13th century में control of the Delhi Sultan था, वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ा था. 13th century की बात कर रहे हैं. वो क्या करते थे? जो उनकी garrison थी वहां तक था, या वो लोग hinterland को control करते थे, ठीक है. और उनका जो भी रिसोर्स इनकम था वो डिपेंड किस में होता था? जो ट्रेड करती थी उसमें से वो पैसे कमाते थे, कोई उनको ट्रिब्यूट देता था उसमें, या कई बार वो लूट लेते थे. प्लंडर करना यानी लूटना, ठीक है. तो अर्ली 13 सुल्तान यहां तक ही उनका एक लिमिट होता था. पढ़ो आगे. कंट्रोलिंग अ गैरिसन टाउन in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. Rebellion, war, even bad weather could snap fragile communication routes. Delhi authority was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of Sultan weakness. The Sultanate bravely survived these challenges. Its consolidation occurred during the regime of Ghiyasuddin Balban and further expansion
under Aliuddin Khalilzin and Muhammad Tughlaq. Okay. अब जो बंगाल में गैरिसन टाउन था या सिंध में जो गैरिसन टाउन था, तो सुल्तान को दिल्ली से इजी नहीं पड़ रहा था वो गैरिसन टाउन को कंट्रोल करने के लिए, उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा था। उसके अलावा कई बार उनके खिलाफ कोई वॉर जंग कर देता था, कोई रिबेल कर देता था, कई बार बहुत बैड वेदर होता था। तो ये सारे रीजंस थे कि वो उनकी टेरिटरी को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, दिल्ली अथॉरिटी, उसके अलावा अफगान से जो मुगल थे वो बार बार दिल्ली घुस रहे थे, तो उनसे उनका डर था, राइट। और उनके खुद के गवर्नर, सल्तनत के जो गवर्नर थे वो भी उनके खिलाफ हो गए, जिसके वजह से सल्तनत धीरे धीरे वीक हो गया। सल्तनत को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। कौन से समय, कौन सी डायनेस्टी के समय पे? गयाउद्दीन बालबन के समय पे, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे और मोहम्मद तुगलक के समय पे। ओके, इस पैराग्राफ में हमें क्या समझाना चाहते हैं? फर्स्ट पॉइंट कि सल्तनत को जो गैरिसन टाउन था बंगाल में और सिंध में वो कैप्चर नहीं कर पाए। दूसरा, बार बार उनके साथ रेबेलियन होता था, वॉर होता था और कई बार बैड वेदर से भी वो उनकी टेरिटरी को एक्सटेंड नहीं कर पाए। थर्ड, अफगान से जो मोगल आ रहे थे उनसे भी बार बार उनको फाइट करनी पड़ रही थी। फोर्थ, सुल्तनत के गवर्नर भी उनके खिलाफ हो गए थे। और फिफ्थ, गयाउद्दीन तुगलक, गयाउद्दीन बालबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के वक्त बार बार रेबेलियन होता था और उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते। इस पैराग्राफ में क्लियर हो वेदांत, दिया, दक्ष, किसी को कोई डाउट है इस पैराग्राफ में? नो मैम। ओके मैम, थर्ड पैराग्राफ पर मैम अपने साइड में हिंटरलाइन एंड गैरिसन टाउन का टिक करने को कहा, वो हमें और लिखना भी है। ग्लॉसरी तो कंपलसरी है ना रुतवा, भूल जाती हो तुम। मम्मी को बोलोगी आज से तुम्हें दो बादाम देती हो तो तीन दे, कि मम्मी देती ही नहीं है बादाम। देती है। हाँ, ग्लॉसरी करनी है बेटा। चलो थर्ड वाला पढ़ो। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपिंग अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तानेट एमिड एट consolidating the hinterlands of the garrison town. During this campaign, forests were cleared in the Ganga Yamuna Dob and hunter-gatherers and pastoralists expelled from the habitat. Okay. Continue. These lands were given to peasants and agriculture was encouraged. New forests, fortresses, garrison towns and towns were established to protect trade routes and to promote religion trade. Okay, now what is internal frontier? Internal frontier yani ke jo sultanate के एरिया में इंक्लूड है, जो सल्तनत एरिया में हिंडरलैंड और गैरिसन टाउन उसके एरिया में इंक्लूड है, उसको इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब भी होता है ना अंदर, और एक्सटर्नल फ्रंटियर यानी कि जो वो कॉन्कर नहीं कर पाए। एक्सटर्नल उनके फ्रंटियर, फ्रंटियर इज द एरिया वेर यू रूल, राइट। सो इंटीरियर इंटरनल फ्रंटियर यानी कि वो पार्ट, वो एरिया, वो हिंडरलैंड, वो गैरिसन टाउन जो सल्तनत के अंडर है। एक्सटर्नल फ्रंटियर यानी कि जो सल्तनत कैप्चर नहीं कर पाए। पहले ये दो टर्म को क्लियर कर लो, समझ में आ गया ये दो टर्म? डाउट है किसी को? ओके, नाउ द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन, उनका जो सबसे पहले कैंपेन था वो उन्हीं के एरिया में ऑफ सल्तनत, कि जो उनके हिंडरलैंड है, वो गैरिसन टाउन है, उसको संभाल के रखे। इस कैंपेन के वक्त जो फॉरेस्ट होते थे वो उन्होंने क्लियर किया था, यानी उसको काट दिए थे, गंगा यमुना दोहब और हंटर गैदरर पेस्टुलर्स, इसके वजह से उनके जो एरिया, हैबिटेट एरिया थे उनको उसमें से निकाल दिया गया था। ठीक है, हंटर गैदरर्स और पेस्टुलर्स को वो हैबिटेट में से निकाल दिया था जो उस फॉरेस्ट पर्टिकुलर एरिया में थे। ये जो लैंड उन्होंने, फॉरेस्ट की लैंड उन्होंने जो क्लियर किया वो किसको दिया?
वो पीजेंट्स को दिया, क्यों दिया? एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। न्यू फोर्ट, न्यू गैरिसन टाउन उन्होंने डेवलप किया उस एरिया में, उनके ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, यू वांट मी टू रिपीट अगेन? मैम यस अंश मैम, इन पेज नंबर 34 थर्ड वर्ड में क्या लिखा है? कौन से फिफ्थ लाइन में, कौन से पैराग्राफ में मैं देखूं? मैम थर्ड पैराग्राफ। स्नैप फ्रेजिल कुड नॉट स्नैप फ्रेजिल कम्युनिकेशन रूट, दैट वन यू वांट अंश? No, ma'am, in page number 34, third paragraph. Last page number 34, third paragraph. 1, 2, 3, 4, 5th. Third word. Please. Word bolo aap. Last line. Ma'am, P-A-S-T-O-R-A-L-I-S-T-S. Vidanti, kaun sa bol raha hai? मैम लास्ट लाइन में थर्ड कंसोलिडेशन। दिस पैराग्राफ यू रीड ना, व्हिच पैराग्राफ यू आर नाउ एक्सप्लेनिंग ऑन पेज नंबर 34 लास्ट लाइन। जो पैराग्राफ मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो पेज नंबर 34 लास्ट लाइन। पेस्टुलस की बात कर रहे हो? यस मैम। यस हां, ओके। पेस्टुलस समझाती हूँ, उसके पहले यहाँ पे स्नैप फ्रेजिल भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ब्रोकन, उसका मतलब इजीली ब्रोकन और इजीली डैमेज, वो भी लिख दो। और ओके, पेस्टुलस का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। पेस्टुलस या दोस ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने कैटल के साथ एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं, बंजारन। ओके, the group of people who move with their cattle from one place to another, they are known as pastoralists. Okay. So forest जब clear किया तो गंगा यमुना दोहक hunter gatherer और pastoralists उनको expel यानी निकाल दिया उनके जगह से। और ये जो land है वो किसको दिया? peasants यानी farmer को। क्या करने के लिए? agriculture को करने के लिए, नए fort build करने के लिए, नए garrison town build करने के लिए और अपने ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करने के। क्लियर? यस। तीर्थ अभी आप पढ़ो। यस मैम। मैम सेकंड पैराग्राफ, सेकंड एक्सपेंशन अकर्ड। यस, पेज नंबर 35। यस, द सेकंड एक्सपेंशन अकर्ड लॉन्ग द External frontier of the Sultan Minister. What is this military last word? Expeditions. Before military, what is that word? Military expeditions into southern India started during the region. नहीं बोलना उसको, rain बोलते हैं। ये जो वर्ड है आर ई आई जी एन, उसको रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हम प्रोनंसिएशन आर ए आई एन रेन के लिए बोलते हैं ना, बारिश के लिए भी जो हम प्रोनंसिएशन करते हैं ना रेन, इसका भी वही प्रोनंसिएशन होता है रेन, पर इसकी स्पेलिंग अलग है। रेन का मतलब किंगडम, डायनेस्टी। ओके, यस मैम। ऑफ अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, सी मैप 3 एंड क्यूल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक इन देयर कैंपेन्स सुल्तान आर्मीज captured elephant, horses and ma'am what is this? Slaves,
carried away precious metal. Okay, let me. Ma'am, slaves means gulam. Okay, and precious metal. Okay, now I explain this. Second expansion. अभी सल्तनत का सेकेंड एक्सपेंशन कब हुआ जो था एक्सटर्नल फ्रंटियर एक्सपेंशन ऑफ सल्तनत. सबसे पहले उन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशन इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड, यानी मिलिट्री फोर्स को भेजना, एक्सपेडिशन यानी टू सेंड अ मिलिट्री फोर्स. और वो किसके डायनेस्टी के वक्त हुआ, किसके रेन के वक्त हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ. अलाउद्दीन खिलजी के समय पे मिलिट्री को दूसरे एरिया में कैप्चर करने के लिए भेजना शुरू हुआ. और मोहम्मद तुगलक के वक्त वो क्यूलमिनेटेड यानी पीक तक, यानी उस वक्त ज्यादा हो गया, उस वक्त ज्यादा मिलिट्री एक्सपेडिशन होने लगा. इसका मतलब होता है पीक, हाईएस्ट, ये उसके दूसरे वर्ड्स है, पीक हाईएस्ट. ठीक है, उनके कैंपेन में सुल्तनत क्या करते थे जब वो दूसरे एरिया को कैप्चर करते थे, सल्तनत आर्मी एलिफेंट को कैप्चर कर देते थे, हॉर्सेस को, वहां के लोगों को उनके गुलाम बना देते थे, और उस पर्टिकुलर किंगडम जिसको उन्होंने कैप्चर किया उसके प्रीशियस मेटल भी अपने साथ ले जाते थे. ये था एक्सटर्नल फ्रंटियर में. मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ. सल्तनत पीरियड में एक्सपांशन उनके एरिया का, यानी कि एक्सटर्नल फ्रंटियर, उन्होंने कैसे किया. जो मिलिट्री एक्सपेडिशन होती है, यानी कि मिलिट्री फोर्स होती है, वो दूसरी जगह पे भेजती है, और वो सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के वक्त और मोहम्मद तुगलक के वक्त पीक पे पहुंच गया, यानी ज्यादा किया उन्होंने. उनके कैंपेन में जब वो लोग दूसरी किंगडम को कैप्चर करते थे तो आर्मी, सल्तनत आर्मी एलिफेंट को ले लेती थी, दूसरे सामने वाले के हॉर्सेस को कैप्चर कर देते थे, लोगों को गुलाम बना देते थे, और उनकी किंगडम में जो भी प्रीशियस मेटल्स होते थे वो भी अपने साथ लूट लेते थे. क्लियर टिल नाउ? यस मैम. तीर्थ उसके बाद वाला भी पढ़ो. यस. बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रीजन 150 years. नहीं बोलना है, क्या बोलना है, मैंने क्या बोला? 150 years after somewhat humble begins, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. They had defeated rival Rival armies, and size cities, yani capture kar dena. Thus, Sultan cities. Yes, cities. The Sultanate collected taxes from the peasantry and justice in its realm. बस वो लास्ट लाइन मत पढ़ो. अब मोहम्मद तुगलक के डायनेस्टी के एंड में, यानी कि 150 इयर्स उनको लगा था ये सारी चीजें सेटल करने में, तब वो अपनी आर्मी के साथ मार्च, व्हेन द सोल्जर्स गो, यानी वो मार्च करते हुए जाते, राइट, तब उन्होंने उनके सबकॉन्टिनेंट्स को भी कैप्चर करना शुरू कर दिया था. यानी यहाँ पे हमें ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने ना तो अपने आजू बाजू एरिया पर उससे आगे एरिया भी कैप्चर करनी शुरू कर दिया था. ओके, दिस पैराग्राफ इज नॉट मच इम्पोर्टेंट. मैम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हम्बल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? हम्बल. हम्बल वेदांत और या दिया, आंच को हम्बल का मतलब समझाओ. कई बार हम नहीं बोलते, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू बी प्लीज क्वाइट. What is the meaning of humble? Vedant? Humble means when we're willing something to that. Yes, Vedant?
मैम कैन आई से यस प्लीज रिक्वेस्ट यस यानी यहाँ पे हम्बल यानी शांति वाला ठीक है पीस अंश यस समझ में आया बेटा यस मैम ओके अमन यस मैम आज है पीडीएफ यस मैम आई हैव बुक कॉल्स चलो नाउ वी कम ऑन द पेज नंबर 36 दिस होल पेज कैन यू सी देयर आर फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग गिवन ये पूरा जो है ना ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे पूरा आप मार्क कर दो ऑब्जेक्टिव और बहुत ही इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं मैम फुल पेज अंश गुड मॉर्निंग पेज नंबर 36 मैं आपको बताती जाऊंगी क्या क्या इम्पोर्टेंट है अंश तो वो अंडरलाइन करना है आईएमपी है फॉर द ऑब्जेक्टिव अब समझ में आया ओके फिगर टू अंडरलाइन दिस यू हैव टू रीड दिस होल पैराग्राफ जैसे इसमें है कुवैत अल इस्लाम ये मॉस्क है और मिनारत है जो बिल्ड किया गया था 12th सेंचुरी में राइट ये सबसे पहली मॉस्क है दिस वॉज द कॉनेग्रेशन मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय दिल्ली सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत ने बिल्ड की थी दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली मॉस्क बिल्ड की थी कुवैत अल इस्लाम तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच वॉज द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट बाय दिल्ली सल्तनत तो उसका आंसर आप दोगे कुवैत अल इस्लाम क्लियर ये एक हो गया आपका ऑब्जेक्टिव दूसरा है ये मॉस्क के बारे में डिस्क्राइब किया गया था क्रॉनिकल्स में है दिल्ली एकुना द ओल्ड सिटी मॉस्क वॉज एनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी यानी इस मॉस्क को ज्यादा एक्सटेंड किया गया था बढ़ाया गया था मीनार वॉज बिल्ड बाय टू सल्तनत इस मॉस्क में दो मिनारत बिल्ड किए गए थे बाय टू यानी के इस मॉस्क में मिनारत था कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार और वो मीनार बिल्ड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था पर खत्म इल्तुतमिश ने किया था फिगर में आपको बीच में मिनारत दिख रहा है बड़ा सा मिनारत दिख रहा है वो कुतुब मीनार है वो कुतुब मीनार है ये मॉस्क के आजू बाजू एक्सटेंड करने में एक मिनारत बनाया था वो मिनारत बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और इसके बारे में कौन से क्रॉनिकल में डिस्क्राइब किया है दिल्ली ए खुना ओके तो तीन चीजें दी गई है अमन आपके पास बुक है ना तो वो पढ़ो पूरा ओके मैम फ्रॉम द मस्जिद नहीं वो तो मैं बाद में समझा रही हूँ फिगर टू वाला दिया गया है ना वो पूरा किसी को लिखना नहीं है ये क्योंकि ये पूरा आपको पढ़ना है रीड करना है इतना सारा कहाँ लिखने बैठोगे पर हाँ नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये पूरा जो है इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव पूछूंगी ठीक है पढ़ो अमन Quad Al Islam Mosque and Minaret built during the last decade of the 12th century. This was the congregation mosque of the first city built by the Delhi Sultans, described in the chronicles as Delhi Ekhona, the old city. The mosque was enlarged by Iltutmish and Alauddin Khilji. The minar was built by three sultans. Qutbuddin Ayubak, Iltutmish. Qutbuddin Ayubak and Iltutmish. Clear, beta? Yes.
सबको क्लियर है बेटा, तुम म्यूट हो जाओ, आपकी बहन भी लेक्चर ले रही है ना, तो उसका भी आवाज आ रहा है मुझे। शिवाली मैम पढ़ा रही है ना उनको? यस मैम। हाँ प्रसन्न हंस रहा है, हम सब टीचर की आवाज इतनी बड़ी होती है ना कि हम सबको पता चल जाता है। हाँ चलो, किसी को डाउट है इसमें? करना है हा? ये सब मैं आपको एमसीक्यूज पूछूंगी। यस ओके। अब फिगर थ्री दिख रहा है आपको? यस। अब वो बेगमपुरी मॉस्क, क्या नाम है मॉस्क का? बेगमपुरी मॉस्क बिल्ड, ये मोहम्मद तुगलक के वक्त बिल्ड किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है नेम द मॉस्क बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक, तो आंसर आएगा बेगमपुरी मॉस्क। ये मेन मॉस्क था जहां पना के वक्त, और इसे बोला जाता था सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, जो न्यू कैपिटल ऑफ दिल्ली था। ठीक है, तो इसे भी आपको मार्क करना है। वेदांत ये पार्ट पढ़ लो, फिगर थ्री। बेगमपुरी मॉस्क बिल्ट इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक वाज द मेन मॉस्क ऑफ जहां पना, द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली। सी मैम। ओके, एनी डाउट? नो मैम। वेदांत रीड नाउ दिस मस्जिद पार्ट। यहाँ पे हमें मस्जिद की इंफॉर्मेशन दी गई है। प्रसन्न मस्जिद क्या होता है? मुस्लिमों का वो, जैसे हम टेंपल बोलते हैं, क्रिश्चियन चर्च बोलता है, राइट? तो उनकी जो भगवान की वर्शिप करने की जगह होती है वो क्या होता है? मस्जिद। हम इंग्लिश में मॉस्क बोलते हैं, हम इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? मॉस्क। मस्जिद जो है वो अरबिक वर्ड है, यानी कि द प्लेस वेयर दे गो एंड वर्शिप देयर लॉर्ड। ओके वेदांत, यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ। The mosque is called a masjid in Arabic, literally a place where a Muslim prostrates in reverence to Allah in a congregational mosque. Masjid is jami or jama masjid. Muslims read their prayers, namaz, together. Members of the congregation choose the most respected learned male as their leader, imam, for the rituals of prayer. He also delivers the sermon khutba during the Friday prayer. During prayer, Muslims stand facing Mecca in India. This is to the west. This is called the Qibla. The Delhi Sultans. नहीं वो पार्ट नहीं पढ़ना है, यहाँ तक मैं आपको सबको समझा दू ना क्या है। ओके सी, मॉस्क इज ऑल्सो कॉल्ड अ मस्जिद इन अरबिक, ये मैंने आपको समझाया, यानी कि वो जगह जहाँ पे वो लोग अपने लॉर्ड को जाके वर्शिप करते, अल्लाह, उनके लॉर्ड क्या है? अल्लाह, राइट? अब यहाँ पे दिया गया है इन द रेफरेंस इन अ कॉनग्रेशन मॉस्क, यहाँ पे दो मॉस्क के बारे में बोला है, मस्जिद जामी या जामा मस्जिद। ओके, कॉनग्रेशन मॉस्क ये यहाँ पे यूजुअली फ्राइडे यहाँ पे जाना होता है। कॉनग्रेशन मॉस्क यानी कि जैसे हम लोग तो रोज चले जाते हैं ना, यहाँ पे यूजुअली उनका फ्राइडे गिना जाता है, पता, जुम्मा टू जुम्मा बोलते हैं ना वो लोग, फ्राइडे इज द मेन। कोई भी इस्लामिक प्लेस होती है ना, जैसे हम लोग को छुट्टी कब होती है पूरे वीक में, हमको कब छुट्टी मिलती है? संडे। कोई भी इस्लामिक प्लेस होती है ना, वहां पे उन लोग को कब छुट्टी मिलती है पता है? फ्राइडे। फ्राइडे, फ्राइडे इज नोन एज अ मेन डे ऑफ देयर। जैसे मेरा एक कजिन है, वो सऊदी अरेबिया है, तो पूरे सऊदी अरेबिया में पूरे वीक में उनकी संडे फ्राइडे होती है, यानी उनको पूरे वीक में फ्राइडे को छुट्टी मिलती है, संडे वर्किंग होता है। दिस फ्राइडे इज द प्लेस वेयर कंपल्सरी एवरीवन गो इन द मॉस्क टू प्रे, एवरी डे जाना उनके लिए जरूरी नहीं है, देयर इज अ पर्टिकुलर डे एंड दैट इज ऑन द फ्राइडे, दैट थिंग इज नोन एज कॉनग्रेशन मॉस्क, दैट डे इज नोन एज कॉनग्रेशन मॉस्क यानी फ्राइडे मॉस्क। ओके सो मस्जिद जामी बोलते हैं उसको, जामा मस्जिद बोलते हैं उसको, और मेंबर्स ऑफ द कॉनग्रेशन जो मेंबर्स होते हैं इसके, मस्जिद के जो मेंबर्स होते हैं वो रिस्पेक्टेड और लर्न्ड लीडर्स होते हैं। ठीक है, उन्हें नाम दिया जाता है इमाम, उन्हें लीडर्स का नाम क्या दिया जाता है? इमाम, जैसे हमारे पंडित बोलते हैं हम,
महाराज बोलते हैं हम, ठीक है, जिनका काम होता है रिचुअल्स प्रेयर करना, यानी उनके जो भी अल्लाह का जो भी वो लोग बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम श्लोक बोलते हैं भगवान के, वैसे ही ऑल्सो डिलीवर्स द सेरमन कुबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, और वो फ्राइडे प्रेयर में उनकी जो प्रेयर्स होती है वो भी बोलता है। क्लियर इतना पार्ट समझ में आया? ड्यूरिंग प्रेयर, अब ये मेन पार्ट है कि जब वो प्रेयर करते हैं तो उनकी एक डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में उनको बैठ के प्रेयर करना होता है, और वो डायरेक्शन होती है फेसिंग मक्का, जो उनकी पिलग्रिमेज प्लेस है हज। सारे मुस्लिम, सारे इस्लामिक की जो पिलग्रिमेज प्लेस है हज, वो हज मक्का में जो डायरेक्शन में है, सभी लोग मॉस्क में या घर में, वो कई एवरी इवनिंग वो लोग घर में भी नमाज पढ़ते हैं ना, जो प्रेयर होती है वो नमाज होते हैं, तो एक डायरेक्शन में ही बैठ के उनको ये नमाज पढ़नी होती है, और ये जो डायरेक्शन है वो मक्का को फेस करते हैं, जहां पे उनका मक्का होता है उस डायरेक्शन में उनको बैठ के, मक्का मतलब है वेस्ट, वो है कौन सी डायरेक्शन, वेस्ट, वो मक्का मदीना वही ना, हाँ वही बेटा, उनकी पिलग्रिमेज प्लेस है, और उसे वो बोलते हैं किबला, उसे क्या बोलते हैं वो लोग, किबला। क्लियर टिल नाउ? यस मैम। तो इसमें से भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना है, ये पूरे पूरा पेज ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, रीड थरली। एनी डाउट टिल नाउ? नो मैम। दिया योर टर्न, पेज नंबर 37। यस मैम। ऊपर वाला जो है वो पढ़ना है, पिंक, द दिल्ली सल्तनत बिल्ड वाला। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड सेवरल मॉस्क्स एंड सिटीज ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट। दिस डेमोंस्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। मॉस्क्स आल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। ये इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ ये कहना चाहते हैं हमें कि जो दिल्ली सल्तनत थे वो काफी सारे मॉस्क बिल्ड करते थे, जिससे वो बताना चाहते थे कि वो किस तरह से अपने इस्लामिक रिलीजन को प्रोटेक्ट करते हैं और मानते हैं। सी इस्लामिक, जो इस्लामिक रिलीजन फॉलो करते हैं ना, बहुत रिजिड होते हैं, वो अपने रिलीजन को बहुत ही मानते हैं, रिजिडली मानते हैं, ठीक है, तो बस वही बताना चाहते थे। इस पेज में आपको फिगर 4 दिख रहा है, उसको अंडरलाइन करना है, वो फिगर 4 वाला दिया पढ़ो। मौत की मस्जिद बिल्ड इन द रीजन ऑफ सिकंदर लोडी बाय दिस मिनिस्टर। मस्जिद का नाम भी कितना खौफनाक दिया है, मौत की मस्जिद, कोई जाए नहीं वो सुन के मस्जिद में, है ना अंश, तू जाएगा? नाम ही इतना डरावना दिया है ना, किसी ने कभी मस्जिद देखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं उसके अंदर गया भी हूँ। हाजी अली गए हो? मुंबई में है? नहीं। ओके। हाँ। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा सिकंदर लोडी के वक्त कौन सी मॉस्क बिल की है, तो ये तो सबको याद रहेगी, बिकॉज नाम ही इतना डरावना है ना, मौत की मस्जिद। अंश याद रहेगा ना ये नाम? Yes. ओके चलो दिया, फिर हु शेड अ बिलीफ सिस्टम, एक्चुअली ये कंटिन्यूएशन में था दिया पूरा पिंक वाला। ओके मैम। हु शेयर अ बिलीफ सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट, इट वाज नेसेसरी टू रेनफोर्स दिस आइडिया ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम्स केम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स। ओके अगेन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, फिगर 5 पढ़ो और वो इम्पोर्टेंट है। Mosques of Jamali Kamali built in the late 1520 year. Yes, Mosque of Jamali Kamali, ye bhi yaad rahega. In which year was mosque built? Jamali Kamali 1520 mein kaun sa mosque built kiya tha? To Jamali Kamali. Kaise kaise Kutubuddin Aibak ne na sabse pehla mosque built kiya tha slave dynasty mein. Kutubuddin Aibak ne jo mosque built kiya tha na, aapke book mein diya nahi hai, वो था 2.5 दिन का झोपड़ा, सबसे पहला मॉस्क इंडिया में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये उसका नाम दिया था, उसने 2.5 दिन में ही, वन एंड हाफ डे में वो पूरा मॉस्क उसने
बिल्ड करवाया था, इसलिए वो मस्जिद का नाम दिया था ढाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, दो अलग अलग से मॉस्क है, तो ये दो फिगर फोर और फिगर फाइव है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप आएगा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, लेट अस ट्राई, कंपेयर फिगर टू थ्री फोर फाइव, व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस डू यू नोटिस, क्या है सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस मॉस्क में, चलो ढूंढो। And that they are made in different regions. पहले सिमिलैरिटीज बताओ। All are made by Muslim rulers. Sultanate rulers. Okay. Then. फिगर को देखना है, फिगर में कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है आपको? Only one type of gate is there. इनके एंट्रेंस की बात कर रहे हो? Yes, मैम, वो एक ही डिजाइन में है। हाँ चलो, एक ही डिजाइन में है सब, वो डोम शेप का, सेमी सर्कल, हाफ आर्क बोल सकते हैं, सबके ऊपर वो सेमी सर्कल है। डोम डोम बोलते हैं, डोम। मैम वो फिगर फोर में बीच में ही ऐसी वो ऊपर डोम, साइड क्या है फिर? फिगर फोर में साइड में डोम, फिगर फोर और फाइव में क्या है? फिगर फोर में बीच में ही डोम है और फाइव में तीनों साइड है। हाँ दूसरी हमें ये बताना चाहते हैं कि सब आर्किटेक्चर के वक्त, यानी कि जो उन्होंने बिल्ड किया है, ठीक है, मॉस का जो एंट्रेंस है वो यूज रखा है, डोम शेप है, मोस्टली फोर और फाइव तो सेम ही लग रहा है, कुछ डिफरेंस लग ही नहीं रहा है मैम, पिलर्स उसके अलग है, सभी गेट के ऊपर एक खिड़की है। यस, चलो और डिफरेंस क्या है? सब में वन से ज्यादा गेट है। यस, वन से ज्यादा गेट है। सब में एक ही गॉड को नहीं, वो तो मॉस्क है तो उनका अल्लाह ही होगा ना, वो इतना कुछ नहीं है, सभी यूज एरिया में बने हुए हैं, यूज एरिया में बने हुए हैं। ओके मैम, इट हैज टेकन सो मेनी टाइम टू बिल्ड। सबसे पहले सिमिलैरिटी हमें यह बताई नहीं, सबका डायरेक्शन मिका होता है, बेस्ट क्या होता है? वेस्ट। ठीक है, हर एक में एक मिनारत होता है, ये एक ही में हमें बताया है मिनारत, बाकी सब में मिनारत नहीं बताया, तो शायद से हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस है ये। चलो ओके, नथिंग मच, ये कुछ एग्जाम में आएगा नहीं, मैं ऐसे ही करवा रही हूँ, एग्जाम में आएगा नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए इसलिए। ओके चलो, एनी डाउट टिल नाउ? नो। अभी मैं होमवर्क रिपीट कर लूं आप सबका? यस यस मैम। जिन्होंने आगे वाला होमवर्क भी नहीं किया और टीर्थ को भी करना है, सबसे पहले आपको टेबल वन करना है ऑन द पेज नंबर 31। ओके अमन, आपने होमवर्क किया है बेटा? No, ma'am. नहीं किया तो आपको पनिशमेंट पता है, 20 टाइम करना है, कर लोगे ना 20 टाइम? वो हंस रहा है, अंश हंसा क्यों?
उसको पता चल गया। मैम आपने वन टाइम बोला, वन टाइम करना है, उस वक्त अमन ज्वाइन नहीं हुआ था। मैम टू टाइम कर दूंगा, वन टाइम ही करना है। सैटरडे नहीं करोगे ना तो 20 बार लिखवाऊंगी। ये रुतवा ने बोला था कि मैम 20 बार लिखवा देना, मैं लिख दूंगी। मैम वो लिखेगी कि सबको लिखना है? सबको, ठीक है। तो पहले टेबल वन करना है, पेज नंबर 31। उसके अलावा नीचे द सर्कल ऑफ जस्टिस दिया है, वो वाला लिखना है। ग्लॉसरी में बोलती जा रही हूँ बर्थ राइट, जेंडर डिस्टिंक्शन, पेज नंबर 34 में हिंडरलैंड, गैरिसन टाउन, और पेज नंबर 36 और 37 में रीड करना है उसको थरली, वो लिखना नहीं है। Yes. उसको थरली रीड करना है। चलो लेट मी सी। रुतवा आंसर करेगी। द पोजिशन ऑफ स्टैंडिंग फेसिंग मेक्का ड्यूरिंग नमाज इज नोन एज व्हाट? व्हाट मैम? द पोजिशन ऑफ स्टैंडिंग फेसिंग मेक्का ड्यूरिंग नमाज इज नोन एज व्हाट? वेस्ट। वो तो डायरेक्शन बताई है, पर वो पोजिशन में बैठ के प्रेयर करना उसका एक पर्टिकुलर वर्ड है। वेदांत ट्राई करो। What? Qibla. Yes, Qibla. In whose reign Sultanate reached its far extent, peak what, extent. What, ma'am? In whose reign Sultanate reached its far extent. किसके समय पे, कौन सी डायनेस्टी के समय पे उसने ज्यादा अपनी एम्पायर एक्सटेंड की थी? यस अंश। मैम अली, अलीउद्दीन। एक का ही नाम देना है, मोहम्मद बिन तुगलक जो थर्ड है लास्ट, ठीक है। ओके अमन यू आंसर दिस। अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स वॉज नोन एज, बाकी अगर किसी को आंसर पता है वो रेज हैंड करेगा। अमन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन। अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स वाज नोन एज, यस तीर्थ आंसर, गैरिसन, गैरिसन टाउन, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके दिया। Yes, ma'am. Name the mosque. मैं दिया को पूछ रही हूँ पर मुझे सारे जन के रेज हैंड चाहिए हाँ ये मॉस्क पे। Name the mosque built in the reign of Sikandar Lodi. Yes. Modi mosque. Yes. Name the mosque. कौन आंसर देगा? आज धारा नहीं आई ना। ओके अंश देगा। चलो नेम द मॉस्क, नेम द मॉस्क बिल्ट इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। अंश और दक्ष ये दोनों में से आंसर देंगे मुझे। नेम द मॉस्क बिल्ड इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। मैम आई गॉट, यू नो, बेगमपुरी। यस बेगमपुरी मॉस्क, वेरी गुड। दक्ष यू आंसर। मैम आई हैड आंसर्ड ओनली। क्या हुआ? हाँ बोलो। यस क्या? यस क्या? यस बेगमपुरी आंसर है। यस मैम कुछ नहीं। नहीं मैम आपने,
कुछ तेरा सुनाई नहीं देता मुझे, तू क्या बोलता है? What is telling? दक्ष बोला कि उसने एक बार बोल दिया। अच्छा दक्ष ने एक बार बोल दिया तो वो अभी वापस नहीं बोलेगा ऐसा? नहीं नहीं मैम, आपको ऐसा लगा कि मेरे को ऐसा लगा कि आपको ऐसा लगा कि मैंने आंसर, मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को ऐसे लगा कि तुझे आता नहीं ऐसा? नहीं मेरे को कुछ भी नहीं लगा और तू भी कुछ भी मत लगा, अभी तू आंसर दे। नेम टू सल्तनत हु हैड बिल्ड द मीनारत कुतुब मीनार। कुतुब बिन ऐबक एंड इल्तुतमिश। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे का पार्ट शुरू करने के लिए करने के पहले वापस ऐसा रिविजन लूंगी पूरा जितना मैंने एक्सप्लेन किया है वहां तक, ठीक है एवरीवन? और सबको होमवर्क करना है, अगर सब होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो मैं आपको 20 टाइम लिखने को दूंगी। क्लियर एवरीवन? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके अमन, आपने आगे का चैप्टर पढ़ा? मैंने बोला था हिस्ट्री वन पढ़ना। नो मैम। प्लीज बेटा रीड तो मैं आपके डाउट सॉल्व करवा सकूं। ओके चलो बाय एवरीवन, आई एम एंडिंग दिस सेशन। ओके बाय मैम, थैंक यू मैम।